ठीक है अमित जी, आपको बधाई भी मिल गई है और साथ में यह भी कह दिया कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं झारखंड में, ये जनादेश को ठेंगा दिखाने वाली बात है। देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि आज के समय में वो ठीक से हंस भी नहीं सकती है। यदि ज्यादा हंसेगी तो लोग उस पर हंसेंगे, तो ये स्थिति आज कांग्रेस की आ गई है। और देश, आप देखिए देश किस मूड में जा रहा है। देश इस मूड में जा रहा है कि कांग्रेस को किस तरह से पूरे देश में समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, एक बार आपको ध्यान में होगा राणा जी, कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि गांधी जी तो समाप्त करना चाहते थे, उस समय ही समाप्त हो गया रहता कांग्रेस तो आज ये दिक्कत नहीं आती। आज ये परिवारवाद की राजनीति चल रही है वो खत्म हो जाती। और आप पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि परिवारवाद जहां जहां लड़ा है वहां वहां हारा है। और ये चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में भारत की जनता, झारखंड की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो मैं अपने विधायकों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन के आज विधानसभा में जाने का काम किया। और लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी को बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है कि जिस दिन नहीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट कर दिया था, तो आज यदि भगवा वस्त्र पहन के माननीय विधायकगण आज यदि सदन में जा रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत होना चाहिए? अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको आनी चाहिए। और सुन लीजिए लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी, लक्ष्मी जी लोग करिए, नहीं तो खड़े तो सुनने पड़ेंगे इनको, तो ये गणेश नहीं आ रहा है। आज ये लोग